साथियों, आज का हमारा नया अध्याय है भारतीय संविधान के टॉप क्वेश्चंस, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करके रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए थे। जो हस्ताक्षर जो हुए थे 1732 में हुए थे, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आता है। सत्य जो रेगुलेटिंग एक्ट है था क्या, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके अधिकारियों की गलत प्रवृत्ति थी, जिसमें कंपनी काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था कंपनी को, जिसकी जांच के लिए लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त प्रतिवेदन पर साइन करके रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है, जिसमें कंपनी के अधिकारी को कहा गया कि वो कंपनी की जितने भी सार्वजनिक जो महत्व के कार्य, जो भी कार्य थे कंपनी के, उनसे ब्रिटिश सरकार को अवगत कराए। यही रेगुलेटिंग एक्ट था। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो किस अधिनियम का पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 1935 से भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 395 हैं, जिनमें से 321 अनुच्छेद और 10 भाग जो हैं यही अधिनियम से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 321 अनुच्छेद और 10 भाग इसी के हैं। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम आया कब था? 1909 में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था, जिसमें मुसलमानों को अलग से सुविधा मिली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों को अलग से मिल पाया। पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष से पारित किया गया? 1909 में। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत में आज़ादी जब हुई उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। जब भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी थे और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और भारतीय पूछे राजगोपालाचारी हैं, स्वतंत्र भारत के पूछे तो भी राजगोपालाचारी होंगे, और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ही थे। केंद्र में द्वे शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वे शासन स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? साथियों, 12 अधिवेशन हुए थे, टोटल 12 अधिवेशन। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, बाद में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान में रखना। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 सदस्य थी। वैसे कुल देखा जाए लगभग 389 सदस्य थे संविधान सभा में टोटल, इनमें से 15 महिला सदस्य थी। भारत की संविधान सभा में सभा किस अनुसार गठित की गई थी? संविधान जो सभा वो क्रिप्स मिशन योजना के तहत 1946 में गठित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? साथियों, फैजपुर 1936 में रखी गई थी। जब फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये कौन सा अधिवेशन था? 51वां अधिवेशन था, 51वें नंबर का, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे फैजपुर अधिवेशन के। इसी फैजपुर अधिवेशन के बाद में सुभाष चंद्र बोस जिन्हें भी अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था? दिल्ली में।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सचिनानंद सिन्हानी। संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। साथियों, संविधान सभा का स्थायी जो अध्यक्ष चुना गया था वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी पूछे तो कौन था? सचिनानंद सिन्हा। या प्रथम पूछे तो भी सचिनानंद सिन्हा ही आएगा, लेकिन स्वतंत्र भारत का अध्यक्ष जो था राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रथम, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया था? यानी भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाए थे इसे? 22 जुलाई 1947 को। साथियों, राष्ट्रीय ध्वज की अलग से आपको क्लास भी मिली है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें चक्कर की जगह पहले क्या प्रयोग होता था? बीच में सफ़ेद पट्टी के मध्य एक चक्कर जिसमें 24 किले हैं उसकी जगह पहले चक्के का प्रयोग हुआ था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1942 में। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? साथियों, संविधान का निर्माण होने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान के निर्माण पर। समय पूछे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 नहीं करना है। अगर संविधान सभा पूछे तो 26 नवंबर 1949 ही होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? अगर लागू पूछते हैं तो 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ था। अगर स्वीकार की बात करें, संविधान सभा ने भारत के संविधान कब स्वीकारा? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। या एग्जाम में काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों को क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं आती। अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो आपका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? स्वीकार पहले किए होंगे तो 1949 को होगा, लागू बाद में होगा, बात का वर्ष है 1950, आप ऐसे याद रख सकते हो। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की जाती है? प्रस्तावना। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख के नामों में किया गया। भारतीय जो संविधान है इसमें भारत और इंडिया इन दो नामों से आपको मिलेगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय जो संविधान है उसमें समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आपको बताना है समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे पहले? 47 विषय। अब कुल विषय कितने हो गए? 52 विषय हो गए। वर्तमान कितने विषय हैं? 52। साथ संघ सूचियाँ उसमें 97 विषय रखे गए थे, वर्तमान में कितने विषय हो गए? 100 विषय। राज्य सूची की बात करें, प्रारंभ में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय ही रह गए। इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में बदल दिया गया। अब तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक ही बार संशोधन हुआ था उद्देशिका में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक जो व्यापक संविधान है वो किस देश का है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। अगर सर्वप्रथम पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित जो संविधान बनाया गया था वो किस देश का था? फ्रांस का। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किए गए संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और सूचियाँ थी? जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाग
395 अनुच्छेद 8 अनुसूचिया थी। आज वर्तमान में इन अनुच्छेद में बढ़ा दिया गया, लगभग 465 के आसपास से कुल अनुच्छेद हो गए। इसमें हुआ क्या, जैसे 19 ए हो गया, 19 सेकंड हो गया, इसमें इस प्रकार से टोटल 465 के आसपास कुल अनुच्छेद हो गए। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, ब्रिटिश संसदात्मक जो प्रणाली है उसी को भारत में अपनाया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च किसको माना गया भारतीय राजनीति में, संविधान को। भारतीय संविधान का अभिभावक या रक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक या रक्षक जो है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी रखी गई है, 18 वर्ष। लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था, अभी जो मैंने आपको बताया फ्रांस में। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई थी, नीति निदेशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार पूछे तो अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस से, और नीति निदेशक तत्व पूछे आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संसद व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है, जो संसदात्मक जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो किस देश से अपनाई गई है, ब्रिटेन से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक जो पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है इसका विचार हमारे देश में कहाँ से अपनाया गया है, अमेरिका से। भारतीय संविधान में समर्थी सूची किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, कनाडा से। भारतीय की जो संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली पूछे तो इंग्लैंड से है, और संघवाद की बात करें तो कनाडा से लिया गया है। संसदीय जो शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन ने ही अपनाया था। भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो किस देश की देन है, जर्मनी की वीमर संविधान की देन है। हमारा आपातकाल जो लागू होता है वो किसकी देन है, जर्मनी की वीमर संविधान की, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की उद्देशी का प्रस्ताव का विचार लिया गया है, उद्देशी प्रस्ताव का विचार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान सर्वप्रथम। 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। साथियों, राष्ट्रगान की जो रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता थे। राष्ट्रगान का जो गायन समय है 52 सेकंड का। राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पंडित विश्व नारायण धर थे, जब पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, बकीम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बकीम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के पूछे रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत पूछे बकीम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला सियानी ने इसको अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। राष्ट्रगीत का गायन समय कितना होता है, 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड भी आप कह सकते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप सब जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो वैज्ञानिक नाम साथ में ध्यान रखना है, पाओ स्टेटस से। मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ स्टेटस। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु आप जानते हैं बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथ्रा टाइग्रिस लिनायस।
भारत का अगर राष्ट्रीय पशु पूछे विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हुआ? हाथी। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघों का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी। सॉरी, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। वैज्ञानिक नाम है एलिपस मैक्सिमस, इसका वैज्ञानिक नाम है हाथी का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जो डॉल्फिन की 5 प्रजातियाँ हैं, इनमें से एक विशेष प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम क्या है डॉल्फिन का? प्लेटनिस्टा गंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है जो डॉल्फिन है साथियों? एक मछली की प्रजाति है। ये एक ऐसी मछली है जो इंसान की कई नकल करती है। ये डांस करना, अलग अलग विधि के द्वारा तैरना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष, जिसे आप बरगद भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम है साइप्रस बेंगालेसिस। वट वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस बेंगालेसिस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आप सब जानते हैं साथियों, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा गेट्रन, इसका वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा गेट्रन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है साथियों? आपने काफ़ी बार मजा भी लिए होंगे आम के, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, जो बाज़ार में हर जगह मिल जाएंगे आपको इन दिनों। आम का वैज्ञानिक नाम आपको पता नहीं है, लेकिन मैग्नी फेरा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रथम शब्द ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आम को अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं, मैंगो आम, तो इसी मैंगो से स्टार्ट है सेम नाम इसका, तो मैग्नी फेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। इसी गंगा में जो अभी क्वेश्चन आए थे, राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन पाए जाते हैं, इसी गंगा नदी में काफ़ी डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, जैसे अमेरिका की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? डॉलर, में डॉलर। भारत का राज्य चिन्ह जो क्या है? सनात में अशोक का निर्मित जो सिंह स्तंभ जो है, इसी अनुकृति को भारत का राज्य चिन्ह लिया गया है। कब लिया गए थे? 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया है राज्य चिन्ह के रूप में। राष्ट्रीय पंचांग जो है, आइए देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग में क्या है। सरकारी कार्य में प्रयोग होने वाले जो राष्ट्रीय जो पंचांग है, वो 22 मार्च 1927 को अपना गया था। ये शक संवत पर आधारित पंचांग है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र है। जो चैत्र माह जो होता है वो इसका प्रथम महीना है। इसका जो कुल दिन कितने होंगे इसमें राष्ट्रीय पंचांग में? 65 दिन का है ये। स्थायी रूप से ये भी ग्रीगरियन कैलेंडर के दिनों के अनुरूप ही बैठेंगे इसमें जो दिन है वो। इस पंचांग का जो पहला दिन साधारण सामान्य जो वर्ष है उसमें जो प्रथम दिन होगा 22 मार्च के दिन होगा। अगर लोंद वर्ष या लीप वर्ष है तो 22 मार्च के दिन ही प्रथम दिन होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है साथियों? आप सब जानते हैं तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। आइए, तिरंगे से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी साथियों। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो 3 से 30 रंगों का ध्वज होता है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में आपने देखा होगा सफ़ेद रंग है, जिसमें एक चक्कर है, उस चक्कर में 24 तीलियाँ होती हैं जो नीले रंग का है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग आता है और सबसे नीचे हरा रंग है। जैसे कि साथियों आपको मालूम, सबसे ऊपर केसरिया रंग है। केसरिया रंग हमें साहस बलिदान और त्याग का प्रतीक मानते हैं हम। सफ़ेद जो रंग है वो किसका प्रतीक है? सच्चाई शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है सफ़ेद रंग। सबसे नीचे जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और जो सफ़ेद रंग के मध्य बने चक्कर हैं उसका रंग कैसा है? नीला। ये आसमान और समुद्र का प्रतीक होता है। सफ़ेद जो पट्टी है उसके मध्य एक चक्कर होता है। जो ये चक्कर किस चीज़ का प्रतीक होता है? प्रकृति और गतिशीलता का प्रतीक होता है। ये जो चक्कर लिया गया है अशोक के सारनाथ स्तंभ में, जो
आपको दिखेगा ऐसा एक चक्कर है, चार शेर हैं, उन शेरों के नीचे एक चक्कर दिखाई देगा बीच में, जो नीले रंग का एक पहिया होता है जिसमें चोंच तिलियां होती हैं। इस चक्कर का जो व्यास है वो ध्वज के लगभग, जो सफ़ेद पट्टी हैं उसके लगभग कितना है, 3/4 के लगभग इसका व्यास होता है। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। अगर जैसे हम 30 सेंटीमीटर लंबाई रखते हैं तो चौड़ाई कितनी होगी उसमें, 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 3:2 के अनुपात में रखना होगा, यानी लंबाई ज़्यादा है 1 चौड़ाई से अनुपात में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसको डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था, जिसे संविधान सभा ने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया था। सर्वप्रथम साथियों जो स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है वो 16 अगस्त को मनाई गई थी, उसके बाद में हर साल 15 अगस्त को ही दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा है। कानूनी तौर से जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो खादी वस्त्र से बनाया जाना चाहिए, जो गांधी जी का जो हथकरघा खादी वस्त्र था वो खादी वस्त्र से हमारे तिरंगा बनाया जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने का अधिकार किस आयोग को है, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने का अधिकार है। ये आयोग इस काम को क्षेत्रीय समूह में आवंटित कर देता है। साथियों 2002 से पहले पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं थी कि राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों पर फहराया जा सके, लेकिन संविधान में एक थोड़ा सा संशोधन हुआ 2002 के तहत, अनुच्छेद 19(1) के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें हर भारतवासी अपनी संस्था घरों विद्यालय इन सब पर तिरंगा फहराया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो।